ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह आगे बढ़ने का मन बना लिया। 31 साल के नेमार ने फ्रेंच क्लब पीएसजी यानी पेरिस सेंट जर्मेन से करीब 6 साल पुराना नाता तोड़कर सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल से 2025 तक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस दौरान उन्हें 2 साल में कुल $300 मिलियन यानी लगभग ₹2500 करोड़ सैलरी के तौर पर मिले। नेमार कोई पहले खिलाड़ी नहीं है जो सऊदी के किसी क्लब से जुड़ रहे हैं। इनसे पहले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैड्रिड के सुपरस्टार फुटबॉलर रहे करीम बेंजेमा समेत कई स्टार प्लेयर्स भी अलग अलग सऊदी अरब के क्लब से जुड़ चुके हैं। इन सभी को यूरोप के पुराने क्लबों से 3 गुना ज्यादा सैलरी देकर सऊदी के इन क्लबों ने अपने क्लब में शामिल किया है। ऐसे में अब ये जानना बेहद जरूरी हो गया है कि तेल का खिलाड़ी सऊदी अरब खेल के मैदान में क्यों बहा रहा है इतना पैसा। नमस्ते, मैं शिवम हूं और आप हैं मंच पर। पिछले 1-2 साल के रिकॉर्ड पर अगर नजर डालें तो यूरोप के स्टार फुटबॉलर सऊदी अरब का रुख कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है पैसा। सऊदी अरब अपनी लीग को बढ़ावा देने और खुद को फुटबॉल के नक्शे पर स्थापित करने के लिए प्लेयर्स को पैसे का लालच दे रहा है। उसका मकसद बड़े प्लेयर्स को साथ लाना है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए वो अलग अलग देशों फेमस यूरोपीय क्लबों के खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़े जा रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नस्र ₹1831 करोड़, करीम बेंजेमा अल इतिहाद ₹1820 करोड़, एलगोलो कांते अल इतिहाद ₹900 करोड़, सादियो माने बायर्न म्यूनिक ₹363 करोड़, कालिदू कुलिबाली अल हिलाल ₹249 करोड़। तेल की दुनिया के बेताज बादशाह सऊदी अरब के अचानक फुटबॉल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट के पीछे एक बड़ी वजह। सऊदी अरब की नजर 2030 या उसके आगे के फुटबॉल वर्ल्ड कप पर है। सऊदी अरब इस वर्ल्ड कप की मेजबानी करना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो कतर के बाद ये दूसरा अरब देश होगा जो वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि खुद को फुटबॉल की दुनिया में ट्रेंड में लाने, फैंस के बीच पॉपुलर बनाने के लिए और खिलाड़ियों के बीच भरोसा पैदा करने के लिए सऊदी अरब ने अभी से ही काम करना शुरू कर दिया है। सऊदी क्लबों में बड़े खिलाड़ियों को शामिल करने की एक बड़ी वजह ये भी है कि यूरोप और साउथ अमेरिका लीग के मुकाबले सऊदी लीग को कम आंका जाता रहा है। इसलिए बड़े फुटबॉल प्लेयर्स को खिलाकर सऊदी दिखाना चाहता है कि उसके देश की लीग का लेवल कहीं से कम नहीं। एक्सपर्ट्स की माने तो फ्यूचर में सऊदी लीग में नेमार, रोनाल्डो, बेंजेमा जैसे स्टार फुटबॉलर्स को आपस में भिड़वाकर सऊदी अरब अपना बड़ा फायदा देख रहा है। सऊदी को पता है कि इन स्टार फुटबॉलर्स का मैच देखने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचेंगे, जिससे उनके टूरिज्म को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा दुनिया भर की टीवी ऑडियंस इनकी लीग्स को देखेंगे, जिससे इनके इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट राइट्स की मांग बढ़ेगी। सऊदी अरब खुद को फुटबॉल की दुनिया में काबिज करना चाहता है। अभी सऊदी प्रोफेशनल लीग के अधिकतर क्लब चैंपियंस लीग या ला लीगा जैसे टूर्नामेंट्स में नहीं भिड़ते और ना ही उनका उन क्लब की टीमों से ज्यादा मुकाबला होता है। बड़े प्लेयर्स को यहाँ लाने का मकसद अपनी लीग का स्तर ऊंचा करना और प्रोफेशनल लीग के रोस्टर्स में सऊदी के क्लब को शामिल करवाना है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।